मल्टाई नेशनल कारपोरेशन एंड सोशल चेंज एज द टॉपर रिफ्लेक्ट दैट वी वुड सी दैट वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल चेंज एंड मल्टाई नेशनल कार्पोरेशन आर द कार्पोरेट सेक्टर जिसको एम एन सी कहते हैं इसका जो मल्टाई लेवल कारपोरेट जो कल्चर है किसी भी मुआशे के अंदर उसका सोशल और कल्चरल चेंज के साथ क्या ताल्लुक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ उसका क्या थानुग? तो सबसे पहले हम इसको मल्टा लेवल जो एम का कॉन्सेप्ट की कोशिश करते हैं सो इट इज एन एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन सेवरल कंट्रीज जो मल्टानेशनल कारपोरेशन का मतलब होता है ये इस तरह का एक कारोबार होता है जिसमें सेवरल कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं लेकिन एक होम सेंट्रल ऑफिस होता है जिससे वो मल्टा नेशनल कारपोरेशन जो है वो उसको रन कर रही होती है डिफरेंट कंट्रीज में तो जनरली क्या होता है कि एक कंपनी है या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं तो वो अपना जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपने डिफरेंट ऑपरेशन के साथ वो जहां पे सेंट्रल यानी ऑफिस है या हेडक्वार्टर जिसको आप समझा जाता है वो वहां पे नहीं होते इसकी मिसाल ले लें कि अगर लंदन बेस्ड कोई ज्वाइंट फर्म है कोई ज्वाइंट uh, वेंचर है कोई किसी का उसका हेड ऑफिस लंडन में है लेकिन वो लंडन से uh, अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करती बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उसकी यानी ट्रॉस नेशनल लेवल पे उसके ऑपरेशन एक्टिविटीज और जो उसके uh, uh, जिसको आप कहते हैं एग्जीक्यूशन उसकी हो रही होती है वो अक्रॉस द वर्ल्ड होती है डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड पे और बेस्ड वो किसी और कंट्री में होती है डिसेंट्रलाइज so, कार्पोरेशन जो है विद स्ट्रांग होम कंट्री की प्रेजेंस यानी उसकी जो प्रेजेंस होती है वो हेडक्वार्टर वो तो एक जगह पे है लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्टिविटीज होती हैं अक्रॉस द ग्लोब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की मल्टानेशनल कारपोरेशन है एम है वो लंडन में न्यूयॉर्क में मॉन्ट्रल में वो न्यू दिल्ली में वो काबुल में वो तेहरान में कहीं पे भी वो अपना बिजनेस कर रही होती है लेकिन वो बेस्ड होती है किसी ना किसी कंट्री में एक ग्लोबल सेंट्रलाइज कारपोरेशन के लिए जरूरी है कि वो एक सेंट्रलाइज प्रोडक्शन एक जो रिसोर्सेज उसके पास है यहां पर भी चीपर रिसोर्सिस होंगे और बिलखसूस जो मल्टानेशनल की जब हम बात करें तो ये नुकता जेन नशीन कर लें कि यहां पर रॉ मटीरियल उनको चीपर में इफेक्टिव फार्म में मिलता है तो वहां पर मल्टानेशनल अपना ऑपरेशन शुरू करती है मिसाल के तौर तो पर रॉ मटीरियल क्या हो सकता है एनर्जी के सोर्सेज हो सकते हैं सबसे बड़ा मटीरियल जो एज अ ह्यूमन स्किल्ड लेबर जहां पे होगी वो हो सकता है यहां पे ज्यादा कोई प्रोडक्ट की शक्ल में रॉ मटेरियल में हो सकता है इवन पाकिस्तान की बहुत सारी फर्म है उन्होंने जाके बांग्लादेश में अपने कारोबार एंटरप्राइज शुरू किए और बहुत सारे मामालिक में आ, वो उन्होंने काम शुरू किए तो इस तरह का जो बिजनेस है यहां पे भी उनको रॉ मटेरियल बेहतर मिलेगा चीपर लेवल पे कास्ट इफेक्टिव होगा वहां पे वो पहुंच जाएंगे सो इंटरनेशनल कंपनी जो है वो अगर हम देखें तो वो कारपोरेशन ओवरऑल जो बहुत बड़ी बड़ी ज्वाइंट बनती है उनकी बुनियाद टेक्नोलॉजी पे होती है अब हम आगे जाके बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं अब आए इसका मैकेनिज्म के ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि खसूसियात ये सेंट्रलाइज किस्म का कंट्रोल होता है यानी अगर वो लंडन बेस्ड है या न्यूयॉर्क बेस्ड है तो उसका एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म होगा एक हेड ऑफिस होगा और आगे फिर अक्रॉस द कंट्री रीजनल ऑफिस होते हैं और जिनको फिर ऑपरेशन हो कोई स्ट्रेटेजी uh, हो या ओवरऑल वी बनाना हो तो फिर वो uh, जो है वो थ्रू डिफरेंट रीजनल ऑफिस से मेन हेड ऑफिस तक जाती है और हेड ऑफिस ओवरऑल एक सेंट्रलाइज्ड कमांडिंग पोजीशन में होता है फिर उसमें ओलिजो पोलिस्टिक एक पावर होती है जिसमें के उसकी अपनी पावर है सेंट्रलाइज किस्म की कमांडिंग किस्म की जिसमें वो ऑथोराइज होती है कि रीजनल ऑफिस को और फिर सब ऑफिस किस तरह वो कंट्रोल करे इसके बाद है इंटरनेशनल ऑपरेशन ये इंटरनेशनल मीन के ट्रांसनेशनल अक्रॉस द नेशन इसके डिफरेंट ऑपरेशन मुख्तलिफ जगहों पर चल रहे होते हैं और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी अब टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो इसमें तमाम वो टेक्नोलॉजी वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अप्लाइंसेस से लेके लैपटॉप से लेके तमाम इवन जो आपके पास ड्राइव आप यूज करते हैं यूएसपी जिसको कहते हैं वहां तक भी उनकी जो टेक्नोलॉजी का यूज वो इफेक्टिव होता है वो एफिशिएंट होता है वो अपडेटेड होता है जिसके जरिए वो अपनी ऑपरेशंस अक्रॉस द कंट्री करती हैं लेकिन सेंट्रलाइज्ड मैकेनाइज्ड वे से करती हैं अब इनका मल्टानेशनल का जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो बड़ा सेंट्रलाइज होता है यानी टॉप लेवल पे जो कमांडिंग पोजीशन है वो एक फर्द के पास है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका उनके पास तमाम तो पावर्स होती हैं वो नीचे तक रीजनल ऑफिस सब ऑफिस में जो भी ऑपरेशन होंगे प्लानिंग उनकी लेकिन उसकी कमांड जो है वो सेंट्रलाइज होगी मल्टानेशनल मैनेजमेंट में इसके बाद आती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेस्ड इन सेवन कंट्री ये भी एक खासा है यानी एक करेक्टरिस्टिक्स कह लें कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती से हैं सेवरल कंट्रीज में यानी इसमें ब्रिदास की मिसाल आप ले सकते हैं ऑस्ट्रेलियन यूनोकॉल की मिसाल ले सकते हैं आप आ, जो ऑयल में यूनोकॉल ब्रिदास दो ऑयल जो ड्रिलिंग कंपनीज हैं उनका एक मिडल ईस्ट आपको डिफरेंट कंट्रीज के साथ उनके मायदे नजर आएंगे उनके ऑपरेशन चलते नजर आएंगे और ऑयल रिलेटेड जो उसकी आ, ड्रिलिंग एक्टिविटीज है उसमें मल्टानेशनल में बहुत बड़े नाम है इसके बाद ये जो है ये डिराइव करती हैं लार्ज पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू या प्रॉफिट फ्रॉम जो फॉरेन ऑपरेशन होते हैं ये इंतई अहम चीज है कि मल्टानेशनल जहां पर बेस करती है वहां से अपना रेवन्यू जनरेट नहीं करती कम करती अगर कहीं पे हो भी तो ज्यादा जो चंक में बल्क में इनका प्रॉफिट होता है वो डिफरेंट जो फॉरन इंस्टॉलेशन की सूरत में हो ऑपरेशन की सूरत में हो या कोई डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में हो वो बाहर की दुनिया से लेती हैं यहाँ पे हेड ऑफिस होता है उस होम आ, आ, जो उनका बेस्ट है वहां से नहीं हासिल करती